संयुक्त किसान मोर्चा ने हुण वड्डे ऐलान कीते ने कि 28 फरवरी नूं जिथे कि किसान अंदोलन दे तीजे गेड़ दा ऐलान हो रहा है और इस विचाले 23 फरवरी नूं पगड़ी संभाल प्रोग्राम भी होएगा और 24 नूं उलीकिया गया है दमन विरोधी दिवस जो कि मनाया जाना है। 26 फरवरी नूं नौजवान किसान दिवस मनाया जाएगा। 27 फरवरी नूं किसान मजदूर एकता दिवस मनाने दा भी ऐलान किया गया। उधर पुलिस दियां धक्केशाहियां दे खिलाफ भी मेमोरेंडम दिता जाएगा। राष्ट्रपति नूं मेमोरेंडम मंग पत्र सौंपिया जाएगा। ये आंदोलन अपने तीसरे चरण में कैसा दिखाई देगा, इसके स्वरूप के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। मैं आपके सामने केवल अगले एक सप्ताह के कार्यक्रम रख रहा हूं, लेकिन आज की बैठक में सहमति बनी है कि 28 तारीख को आने वाले पूरा जो तीसरा चरण होगा इस आंदोलन का, उस पूरे चरण की आउटलाइन आपके सामने पेश की जाएगी। तो 28 तारीख को, 28 फरवरी को ऐसी मीटिंग के बाद आंदोलन का तीसरा चरण जो होगा, पहला चरण 26 जनवरी तक था, दूसरा जब दबाने की कोशिश हुई तो आंदोलन फैल गया और ये जो पिछले महीने से चल रहा है वो आप देख रहे हैं। तीसरा चरण कैसा होगा उसकी पूरी आउटलाइन आपके सामने 28 तारीख को रखी जाएगी। इस बीच चार कार्यक्रम हमने तय किए हैं। 23 तारीख, जैसा आप जानते हैं, परसों अजीत सिंह जी, पगड़ी समाज जट्टा वाले अजीत सिंह जी, भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी, उनकी जयंती है। और 22 तारीख स्वामी सहजानंद सरस्वती, देश के किसान आंदोलन के महान नेता, उनकी जयंती है। तो दोनों को जोड़ के 23 तारीख को पगड़ी संभाल दिवस, ये पगड़ी जो किसान की इज्जत का प्रतीक है, और उसके दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। इन दोनों नेताओं को, इस आंदोलन की विरासत को याद किया जाएगा और उसके प्रतीक स्वरूप सब किसान सब मंच पर अपने अपने इलाके की अपने अपने तरह की पगड़ी पहनेंगे। 24 तारीख को दमन विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे साथी बंगू जी यहाँ पे हैं, आप ज्यादा डिटेल्स बताएंगे। जैसा आप जानते हैं, इस आंदोलन के खिलाफ सरकार ने हर तरह के दमन की तिकड़म, हर तरह की हरकत, हर तरह की शरारत, हर तरह की बदमाशी शुरू कर दी है। चाहे वो लोगों की गिरफ्तारी हो, डिटेंशन हो, FIR हो, यहाँ पे चारों सिंगो बॉर्डर पे आने वाले चारों तरफ की गलियों को रोकना, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर बना रखा है इन्होंने तो यहाँ पे, आप सबने खुद एक्सपीरियंस किया होगा यहाँ आते हुए। तो इसके बारे में दमन विरोधी दिवस 24 तारीख को मनाया जाएगा, जिसमें देश भर में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे किसान और कहेंगे कि आप संविधान के रक्षक हो, कम से कम इतना न्यूनतम तो देश का संविधान मुझे देता है, उसको क्यों वॉयलेट किया जा रहा है। 26 तारीख को युवा किसान दिवस मना रहे हैं और 26 तारीख को सारे हमारे स्टेज, जैसा 18 जनवरी को हमने किया था, सारे स्टेज महिलाओं को दे दिए थे, उसी तरह से 26 तारीख को हमारे सारे स्टेज युवा किसान साथियों के नाम होंगे। तमाम जथेबंदियों के जो युवा साथी हैं वो वहां आएंगे और वो इस युवा किसान दिवस को एक अपनी दिशा देंगे। 27 तारीख को, 27 फरवरी को दो विशेष अवसर हैं, गुरु रविदास जयंती है और साथ में चंद्रशेखर आजाद की शहादत का दिवस है। तो उस दिन मजदूर किसान एकता दिवस के रूप में मनाते हुए हम जो उस विचार की धार थी, आप देखें चंद्रशेखर आजाद से लेके, जो मजदूर किसान के खिलाफ कॉरपोरेट आज खड़ा हुआ है, उसका मुकाबला करने के लिए मजदूर किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। और ये वो दिन है जबकि हम कॉल दे रहे हैं चारों तरफ से, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, सब तरफ हम कॉल दे रहे हैं कि ये जो हमारे मोर्चे हैं इनको और मजबूत करना है।